ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगरोटा सूर्य क्षेत्र की महत्वाकांक्षी सुकाहार मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा, जिस पर 223 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जानकारी कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने आज शनिवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगरोटा सूर्य के लोक निर्माण विश्राम गृह में जनसमस्याएं सुनने के अवसर पर बोलते हुए दी। उन्होंने बताया कि सिंचाई परियोजना को राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश सरकार इस मामले की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के गज तथा देहर खड्ड पर पुलों का निर्माण CRIF के तहत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 828 मीटर लंबे गज खड्ड पुल पर 87 करोड़ 23 लाख रुपए, जबकि देहर खड्ड पर लगभग 99 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे इस क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। जो मेरी दौर है, आप इसी दौर के साथ आपको काम करना पड़ेगा। मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन आप मेरी दौर के साथ भी चलोगे तो आगे कैसे कामयाब होंगे। आपने बड़ा लंबा समय 60 साल सर्विस करनी है, काम आपको हमारी दौर के साथ ही करना पड़ेगा। लोगों की छोटी मोटी जो है वो विचारों की मांग होती है। मांग क्या होती है? बिजली नाका लगा लो, बिजली का पोल बदल लो, मेरे लड़कियों का नौकरी का प्रावधान कर दो, मेरी जो सड़क है उसके किनारे को डंडा लगाओ, मेरी कोई ड्रेन निकाल दो। तो बड़ा भार नहीं है वो? इंसान में अगर काम करना हो तो कई तरीके निकल जाते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि आप पैसे के रोना मत रोना, पैसे के लिए आप मेरे पास आना। अगर नहीं होता होगा तो मेरे पास आना, मैं तो आपका काम करूंगा, मैं आपको पैसे दिलाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ नो की बात नहीं सुनना चाहता, यस की बात करो। अगर सभी लोगों के सामने हम ये कह रहे कि सर ये हो नहीं सकता, तब कोई फायदा नहीं होता आपके लिए। तो हम लोग रात भी काम करें, जब हमें जरूरत तो ये बढ़िया जैसे मैं लाई लूँगी नौकरियाँ डाल लूँगा, लाइन भी दिख रहा है, बोटा पाना चल जाता है, देखी दिखी दूंगे मैं करवाना हूँ मैं दौड़े छुट्टी और नट्ठा ने मेरे हाल कोई मासिया देखी चल रहे हो, कोई बूबा देखी चल रहे हो ना, क्या पुणे कहते ना मेरा बूब वाला मुंडू है, मैं क्या उन्हें बू मिलनी क्या बू मिला दाड़ी मैं दाल। तो मेरा मतलब है कि किसी को आप वोट लाओ, लेकिन काम करने वाले इंसान को, काम करने वाली पार्टी को।